रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुश रहिए, बात रही। अरे जल्दी से मेरी वीडियो को कर लाइक, जो नहीं आया जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। हैप्पी ईद आप सबको, बहुत 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 ईद ईद मुबारक मुबारक। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, मेरे प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स को, और मेरे सारे जो मुझे कमेंट्स करते हैं उन सबको बहुत 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 ईद ईद मुबारक। मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? हमारी तो माशाल्लाह बहुत मजे की गुजरी है। आई होप आपकी भी बहुत मजे वाली ईद होगी। ओके, तो आज हमने सोचा कि आज मैं करने लगी हूँ स्टीम रोस्ट, और साथ मैं कढ़ाई करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपको बस एक ही डिश दिखाऊंगी। ये है स्टीम जो मैंने करना है। चिकन 1 kg मैंने लिया है, और ये योगर्ट जाएगा, इसमें योगर्ट जाएगा, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, और ये स्पाइसी जाएंगे। साल्ट जाएगा 1 tbsp, 1 tbsp रेड चिली, और ये चाट मसाला 1/2 teaspoon, ये करेंडा जो है वो भी 1/2 teaspoon ड्राई करेंडा, और ये मैंने रोस्ट मसाला लिया है 1/2 teaspoon, ये हल्दी लिया है 1/2 teaspoon, और साथ जाएगी वो चिली फ्लेक्स, वो मैं लेके आती हूँ, भूल गई। गुड़ बोल जाती है फिर मुझे कहती है तुमने क्यों नहीं याद करा दी। ये 1 spoon भर के जाएगी चिली फ्लेक्स। ओके, पहले हम कर लेते हैं फ्राई चिकन को, उसके बाद फिर मैरिनेशन करते हैं, ठीक है? ओके फ्लेम ऑन कर लिया मीडियम हाई पे, और मैंने ऑयल ऐड कर लिया। ये शैलो फ्राई हम करेंगे चिकन को। ये इधर से हम रखेंगे 3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर साइड चेंज करके फिर 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसकी साइड साइड चेंज कर लेते हैं, 3 मिनट्स हो गया मुझे। इधर से भी 3 मिनट कुक करते हैं, और फिर स्पाइसी लगाते हैं। चिकन हो चुका है फ्राई, अब हम इसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसे स्पाइसी लगाते हैं। ये चिकन हमारा कूल हो चुका है, अब ये सारे जो स्पाइसेस हैं सारे ऐड करने लगी हूँ। ये फूड कलर भी मैंने थोड़ा सा लिया, ठीक है? ये सारे जाएंगे, और ये जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अब ये योगर्ट जाएगा, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह लग चुका है सारा मसाला, अब हम इसे स्टीम देते हैं। ओके, देखिए गाइस, मैंने प्रेशर ऊपर रख के ना नीचे पानी थोड़ा सा ऐड किया, उसमें साल्ट डाला है और खला मसाला डाला है, ठीक है? वो जो लौंग, इलायची और जीरा डाला है। अब इसके ऊपर मैंने ये स्टीमर अपना रखा है, ठीक है? अब इसके ऊपर जाएगा ये हमारा चिकन। अब हम इसे स्टीम देंगे 20-25 मिनट्स। पहले थोड़ी मैं हाई पे रखूंगी, जब फ्लेम सही स्टीम मेरी बन जाएगी ना फिर मैं बिल्कुल लो पे कर दूंगी, और 20-25 मिनट्स के बाद फिर मिलते हैं। ओके, जो मैंने 20 मिनट्स रखा है, और माशाल्लाह बिल्कुल सही स्टीम वाला स्टीम बन चुकी है, और इतना अच्छा स्टीम हुआ है उसकी बोल लगा और सब बहुत मजे का। चले तो आप डिश आउट करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरा लंच हो चुका है रेडी। ये मैंने दही भले बनाए, साथ मैंने बनाया चिकन कढ़ाई, साथ मैंने स्टीम रोस्ट किया है, और चाइनीज राइस, चिकन फ्राई चाइनीज राइस। ये है सैलड, ये है चटनी, और वो है नान, साथ है मेरा अंडा। कैसी लगी आपको मेरा लंच? स्पेशल, ये स्पेशल है, और आपने फुल वीडियो को वॉच करना है और देखना मेरा स्टीम रोस्ट। ये देखिए कितना मज़े का बना है, मसालेदार, और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी वीडियो कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और आपको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। और चले तो फिर मैं थोड़ा ईट कर लूँ, कैसा बना?
ये देखिए मेरा गोश्त, ये ऐड करती हूँ, चेक करती हूँ कैसा बना। वो बड़ा यमी वाला लग रहा है, ये देखिए गाइस इसकी हड्डी देखिए, ये देखिए वाह, ये देखिए ज़बरदस्त स्टीम हुआ है। ये फर्स्ट बाइट आप सबके नाम, वाह यम्मी वाला बाइट, बिस्मिल्लाह, तो जबरदस्त टीम हुआ है, क्या बताऊं, वाह स्पाइसी स्पाइसी मसालेदार और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। राइस टेस्ट कर, बहुत यम्मी बने। ये जबरदस्त, वाओ मजे आ गए। ओके गाइस अब आपसे चाहती हूँ इजाजत, ये स्टीम रोस्ट आप कल आप कीजिएगा रेडी कर, इतना मज़े का स्पाइसी मसालेदार और बिल्कुल सही टेंडर हुआ, ऐसे खुद ही लग हो रहा है और इतना सॉफ्ट है मुंह में जाते ही घुल रहा। इंशाल्लाह कल फिर लौट के आऊंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई क्यूट से ब्लॉग के साथ और डेढ़ों दुआ के साथ। आप आज की वीडियो को करते हैं रिमाइंड, आप भी मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अगेन ईद मुबारक, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, बाय बाय, टाटा।